शहनाज गिल लड़ाई में है सबसे आगे, कई विवादों में शामिल इनका नाम। नमस्कार, आज शहनाज कौर गिल का नाम पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस और मॉडल में शुमार किया जाता है। शहनाज कौर गिल का जन्म 27 फरवरी 1993 चंडीगढ़ में हुआ। शहनाज ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पूरी की है। बचपन से ही शहनाज गिल को एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। अपने कॉलेज स्टडी के टाइम पर शहनाज ने कई फैशन और मॉडलिंग कंटेस्टेंट में पार्टिसिपेट भी किया, साथ ही कई फैशन शोज और कंटेस्टेंट के विनर भी रहे। इसलिए शहनाज ने एक्टिंग और मॉडलिंग में अपना करियर बनाने की ठानी। शहनाज कौर गिल ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साल 2015 से मॉडलिंग में अपने करियर की शुरुआत शिव दी किताब गाने सीखी और उसके बाद कई पंजाबी सॉन्ग में बतौर मॉडल काम किया। शहनाज को लाइमलाइट 2016 में आए पंजाबी गाने मांझे दी जट्टी से मिली। अपने इस सॉन्ग की सक्सेस के बाद शहनाज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट पंजाबी गाने में नजर आने लगी। शहनाज गिल के पॉपुलर सॉन्ग में या बेबी, लख लांता और यारी जैसे गाने शामिल हैं। इसके साथ ही शहनाज गिल ने इस साल यानी 2019 पंजाबी फिल्म काला शाह काला से बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया और अब हाल ही में शहनाज गिल पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 13 के सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही है। साल 2019 में शहनाज गिल अपनी स्नैपचैट वीडियो की वजह से विवादों में घिरती नजर आई। दरअसल स्नैपचैट वीडियो में वो अपने मेकअप आर्टिस्ट और फ्रेंड एडी के साथ मिलकर हिमाशी खुराना के गाने आई लाइक इट का मजाक उड़ा रही थी। इस वीडियो के बाद हिमाशी खुराना ने शहनाज गिल पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया। साथ ही हिमाशी ने अपने भाई के साथ शहनाज के अफेयर की बात भी जाहिर की। इस मामले के बाद दोनों में एक कैट फाइट शुरू हो गई। अगर शहनाज गिल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो शहनाज को घर में परिवार वाले सना कहकर बुलाते हैं। उनकी फैमिली में उनके माता पिता और एक भाई है। शहनाज बेहद ही फिटनेस फ्रीक है, इसलिए डेली जिम और योगा में अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करती है। इसके साथ ही शहनाज को पिक्स क्लिक करवाने का बहुत ही शौक है।